दिल्ली गुजरात एमपी राजस्थान वेस्ट बंगाल पंजाब हर जगह ये फिल्म लगेगी, तो आप सब अपने 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 नजदीक सिनेमा घरों में जाकर देखें। और आज की खास बात ये है कि हमारे बीच में काफी लीजेंड कलाकार हैं बैठे हुए, अनिल धवन जी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अनिल धवन जी के लिए। ये मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब ये हिट का गाना हिट था, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। तो हर हर भी इस गाने के बारे में जानता है, और भी इनके खूबसूरत सुपर हिट 40 गाने हैं जो ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में बजते हैं। जैसे बजते हैं तो सबको पता चल जाता है। और हमारे बीच में बहुत ही लीजेंड एक्टर सिंगर और बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन बीइंग अरुण बख्शी जी हमारे बीच में है। तो जब हम छोटे छोटे से थे तो वो गाना देखते थे, वो तो सबने सुना है, तुन्ना तुन्ना तत्ता तुन्ना। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, दुखती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और एक गाना और बड़ा हिट था, बोय बोय बुम 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 बोय बोय। वो गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना है। दादा हमारे बीच में अपना कीमती समय निकाला, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में बहुत ही सीनियर कलाकार हमारे बड़े भाई राजू श्रेष्ठा जी हैं, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर। और इनकी भी कम से कम बहुत फिल्में हैं जो आपने बचपने के रोल इन्होंने लगभग लगभग सभी कलाकारों के किए हैं। राजू भाई जैसे जूनियर महमूद जी और अयाज भाई के लिए जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूसर हैं हमारे प्रदीप श्रीवास्तव जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह प्रदीप जी। को प्रोड्यूसर हैं सोनी राय जी, मैडम सोनी राय जी यहाँ पर नहीं है। स्क्रीन प्ले राइटर सवेत्रा श्रीवास्तव, डीओपी अनूप कुमार शर्मा, एसोसिएट राजा भटार सिंह और राजा बहादुर सिंह। बहुत सारे नाम हैं, सबके नाम लेने उचित नहीं हो पाएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस टीम से, सभी पूरी सबको मिले हुए पूरी इंटायर टीम का मैं तहे दिल से आभार करता हूँ। आप सब ने यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल के जो ये इस पल को खूबसूरत बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजेश मित्तल साहब जो कि बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एक बार इनके लिए जोरदार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि यही एक इंसान है जो एक फिल्म को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना देते हैं लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं पाते, तो ये एक ऐसे व्यक्ति। बनाया है ये प्रोड्यूसर प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और इसे प्रस्तुत किया है संजय राय जी, और ये फिल्म को लिखा है श्वेता श्रीवास्तव जी ने। तो मैं अभी इनकी लिखी हुई और इनके बनाई हुई फिल्म का थोड़ा सा झलक में दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा गौर से देखिए। नमस्कार, ये देखिए। सारे ही एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, पवन ने बहुत मेहनत की है, पुलकित ने बहुत मेहनत की है, और हमारी फिल्म की जो एक्ट्रेसेस हैं उन सब ने भी बहुत मेहनत की है, रोहित ने बहुत मेहनत की है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं। तो मैं सबसे यहाँ बैठे हुए सभी गणमान्य से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग फिल्म देखें और अपना प्यार हम पर बरसाए। फिल्म मेकिंग इज मतलब जैसा सभी लोग बोलते आए हैं कि एक बहुत बड़ा काम है, मतलब मैंने बड़ा काम नहीं किया, इन्होंने बड़ा काम नहीं किया, ये ना एक टीम वर्क है। तो मेरी टीम यहाँ पर पूरी आई है और मैं चाहूंगी कि आप सबकी तरफ से वो प्रेज इस टीम को मिले, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। और गौरव जी भी है जो बहुत अच्छे एक्टर है। पवन जी
पांच मिनट धीरे रखिए, जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका स्वागत हो जाने के लिए। हाँ, आप आए कि निकल ही जाते, उधर ही निकल जाते। पवन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच में सनी भाई है, मैं सॉरी नाम भूल गया था, बहुत अच्छे एक्टर है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। फरीदा जी सिद्दीकी है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं अभी चाहूंगा कि हमारे अनिल धवन जो आज के चीफ गेस्ट है हमारे जितने भी, उनको मैं वन बाय वन स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, दो शब्द कहें और उनका स्वागत करेंगे प्रदीप श्रीवास्तव जी। अनिल जी प्लीज कम ऑन स्टेज, जोरदार तालियां अनिल जी के लिए। प्रदीप जी स्वागत करेंगे अनिल धवन जी का जो आज के हमारे चीफ गेस्ट है। सर दो शब्द कहें, पिक्चर आपको कैसी लगी, ट्रेलर कैसा लगा, सबकी सबकी अभिनेताओं की। फ्लैशबैक में चला जाता हूँ 53 इयर्स बैक, एक नया एक्टर आया था और मेरी फिल्म थी चेतना। बहादुर प्रधान इशारा के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कुछ थे, तो अगर मैं भी सोचता कि नए कलाकारों के बीच में मेरा क्या होगा। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, फिल्म बनाई, सुपर डुपर फिल्म हो गई और उसके बाद सफर चलता रहा ना कंप्लीटेड सो मेनी इयर्स। सो आई कैन जस्ट थैंक ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु हैव वर्क्ड हियर। वो भी ये सोचे आपस में मिलकर कि समथिंग वेरी गुड विल हैपन एंड एंजॉयड द म्यूजिक, म्यूजिक वाज वेरी गुड एंड आगे फिल्म देखकर हम बता सकते हैं, बाकी आप लोग सब देखो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे बीच में आज के बहुत ही लीजेंड अभिनेता एक्टर हैं एजाज खान, एयाज खान और युवा अभिनेताओं के लिए दो शब्द कहें अपने कीमती। दादा गाने का एक लाइन। अरे कुछ बोलने तो दे नहीं बोले। फिल्म बनाने के लिए बावरा होना बहुत जरूरी है और पगला होना तो बहुत लाजमी है, नहीं तो फिल्में बनती नहीं है। ये बावरे, क्योंकि वो लाइन है गाने की, बावरा दिल, बड़ी खूबसूरत गाना है वो। एंड ये बात है कि आज की, आज के समय जनरेशन नेक्स्ट आ गई है, अभी जनरेशन नेक्स्ट के ऊपर है कि वो कैसा काम करते हैं। अपने काम को देखिए, एनालाइज कीजिए, कहाँ कहाँ बहुत अच्छा किया है उसको और अच्छा कीजिए, और जहाँ जहाँ आपको अपनी कमियाँ लगती हैं उसको सुधारिएगा। और मेरे ख्याल से फ्यूचर में बहुत अच्छे कलाकार और आएंगे। एंड प्रदीप जी, आप कहाँ से चले एक अपने परिवार के साथ में, शी हैज रिटन इट, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक प्रोड्यूस करे और एक लिखे, घर में कितने झगड़े हुए ये बताइए पहले। और दूसरी बात है कि मित्तल जी, राजेश मित्तल जी कहाँ है वो, ये प्रतीक हैं, फिल्म को बहुत आगे लेके जाते हैं, बहुत अरसे से हम जानते हैं इनको। अय्याज साहब द डायरेक्टर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, प्रेज कीजिए। अब इनको एक आपकी मोहब्बत की जरूरत है, इश्क की जरूरत है, इनको ब्लेस कीजिए। एंड यस ऑफ कोर्स, अपना कमाल, ये कमाल का लड़का है, ये खुद ही हीरो है, ये किसी अपने, जब इसे हीरो कहते हैं तो ये शर्म आ जाता है। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एक्टर्स, ऑल द टेक्नीशियंस, प्रोड्यूसर, द राइटर एंड मित्तल जी। जय शंभो, जय महाकाल, जय श्री राम। ये मित्तल साहब ने सबसे पहले एक बहुत बड़ा काम किया। देखिए, हम फिल्म तो बनाते हैं, हम उस पर बहुत सारे पैसे लगाते हैं, फिल्म बनाते हैं, एंडिंग में क्या होता है पता है, रिलीज कभी है तो नहीं, वो डेट नहीं आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है, रिलीज कभी है नहीं, वो अभी हो रहा है। लेकिन सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर हमारा माई बाप है, बतालिया बजाए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, क्योंकि वो जब तक वो पर्दे में लेके नहीं आता है फिल्म को, तब तक वो अधूरा रह जाता है। फिल्म का हीरो, डायरेक्टर, करेक्टर, सब कुछ जब पर्दे पे आता है तब बोलते हैं, देखो ना मैं पर्दे पे आया था, मेरा गाना चल रहा है पर्दे पे। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर हमारा माई बाप होता है। मित्तल सर, आप हमारे माई बाप हो और इसीलिए हम जैसे कलाकार इस पर्दे पे हम देखते हैं। दूसरा माई बाप होते हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर।
क्योंकि जब तक प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाएगा तब तक डायरेक्टर कैसे आएगा, फिल्म कैसे बनेगा। फिर तालियां हो जाए प्रोड्यूसर के लिए और हमारे यंग स्मार्ट डायरेक्टर के लिए। डायरेक्टर साहब प्लीज आ जाइए, आप भी हीरो से कम नहीं है सर। और मैं यहाँ पे तीन ऐसे शख्स बैठे हैं जो नाम का मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान नहीं पूरी वर्ल्ड इनको जानते हैं। ये तीन जो शख्स बैठे हैं, ये वो एक बोलते हैं ना जो भगवान का एक दिया हुआ दान होते हैं तो सबसे अलग होता है, ये तीनों है सबसे अलग। बतालियां बजाए हमारे तीन यूनिवर्सिटी के लिए, बेसिकली यूनिवर्सिटी है, हम उनके बच्चे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी से हम बहुत कुछ हमें सीखने मिलते हैं। एंड थैंक यू इतनी अच्छी फिल्म देने के लिए प्रोड्यूसर साहब। इसमें एक बहुत अच्छा, हाँ हीरो यहाँ पर, हीरो आइए सर। बहुत अच्छा काम किया आपने और तमाम जो लोग इसमें काम किए हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स बोल के मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदुस्तान में दादा साहेब फाल्के जी हमारे जन्मदाता है, उसके नाम का पहला एनजीओ मैं चलाता हूँ। हमारा अवार्ड शो होता है मुंबई में, दुबई में। तो मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरे पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जितने भी लोग हैं मेरी एनजीओ में, तो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब बोल देंगे कहाँ कहाँ फिल्म लग रहे, तो मेरे जो एनजीओ में जुड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में मैं उनको भेज देंगे, भाई यहाँ पे मेरा दोस्त का मेरा भाई का फिल्म लगे है, तो आप लोग जाइए फिल्म को देखें और एक नया कलाकार को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू माय ऑल मीडिया, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान का और आपके बिना हम अधूरा है। तो ये जो स्टार है, जो नया कलाकार है, हमारे प्रोड्यूसर साहब है, राइटर साहब है, डायरेक्टर हमारे सुपरस्टार, प्लीज इनको दिखाए। आप सभी से हाथ जोड़ से विनती है क्योंकि आप मीडिया दिखाएंगे तो दुनिया देखता है और जब दुनिया देखता है तो पिक्चर हॉल फुल होता है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। मैं चाहूंगा फिल्म के जो हमारे डायरेक्टर हैं, पवन भाई आप जा सकते चले जाओ, जो हमारे डायरेक्टर हैं अयाज खान, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से ये फिल्म बनाई है, वो अपना दो शब्द का है अपना शेयर करें। नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अभी जो है वो मैंने यही बोलूंगा कि मैंने बहुत काम किया, बहुत किया, लेकिन आज से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। बस आप लोगों की ब्लेसिंग है। मैं चाहूंगा इस फिल्म की एक्ट्रेस रिया और जो जो एक्ट्रेस एक्टर है प्लीज वो एक बार स्टेज पर आए। इस फिल्म में जो अभी पुलकित जी दो शब्द के हैं, मैं सबके नाम पुकार रहा हूँ, रिया कपूर स्टेज पर आ जाइए, पुलकित जी, पुलकित आजादा प्लीज कम स्टेज, अगर यहाँ पर राज आप सब लेकिन दिल सबने लगाया है, हीरोइन का सही लग रहा है और चूंकि इसको प्रमोशन बहुत अच्छा मिले फिल्म को, अगर तो इसकी स्टोरी बहुत शानदार है, इतनी अच्छी स्टोरी है फिल्म की, मर्डर मिस्ट्री एक्चुअल रूप संदेश और मर्डर मिस्ट्री ऐसे उत्तर होना चाहिए था फिल्म का। बाकी में मानने वाली फिल्म ये तो अच्छी और मानने वाली फिल्म, और मैं चाहूंगा कि आप सब और आप लोगों से बंसाली भी है करता है। गौरव जी दो शब्द क्या है अपने शो को करण जो भी करता है। सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम। अभी होकर भी आया था और बहुत
अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है, और आप लोग से गुजारिश की आप लोग को समय मिले तो जरूर जाएं वहां पर। जय सियाराम। आप फिल्म के विषय में आते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब ने इतना इतने बिजी शेड्यूल पे इतना कीमती समय दिया। सबसे पहले सभी सीएम लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारे मित्र भी आए हुए हैं हमारे बार कहने में, कुलदीप भाई और मनीषा जी और हमारी दीदी जी आई हुई हैं, सब लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और 1 मार्च को हमारी फिल्म ये ऑल इंडिया रिलीज हो रही है, तो आप सबका प्यार और सबका साथ चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को शेयर करें और लोगों को बताएं कि फिल्म आ रही है हम लोग की संग्रह। धन्यवाद। जय सियाराम। हमारे बीच में एक डायरेक्टर है पवन जी, पवन जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती समय निकाल के हमारी फिल्म को इतना प्यार देने आए हैं, और उससे भी ज्यादा थैंक यू हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर और हमारे पूरी टीम को, जितना भी क्रू है, वो चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो या लाइट मैन हो, कोई भी हो, वो सामने नहीं आते लेकिन बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा मेहनत जो सिनेमा को जानते हैं देखते हैं, आप सबको पता है वो कितनी मेहनत करते हैं। जो लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मेरी इच्छा है कि उनके लिए जोरदार एक बार क्लैप होनी चाहिए। कहते हैं कि सिनेमा जो है बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन हम सब ने मिल से मुश्किलों के साथ बहुत दिल से भी बनाया है, और जो चीज दिल से बनाई जाती है आप सबको पता है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, आपके सामने परोस दी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार दोस्त या रिश्तेदार के साथ जाके अपना खूब ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और मैं मित्तल जी को कहूंगा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर के, वो आप पूछे नहीं जब तक वो कैसे बूम नहीं लगेगा गर्व हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मेरा भी अच्छा सुनने का बहुत तरस रहा है। कितना है 20-25 हजार। और आपने वो कौन सी देखा होगा पीछे, ये मैं भी चैनल खोला था वो भी देखी होगी आपने, तो वो ये आप लाते हैं ये फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एंड तक इस फिल्म में कहीं भी ये पता नहीं लग पाता है कि मर्डरर कौन है। सबसे हाईलाइट है 40 फिल्म में मैंने खुद बनाई है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और डिस्ट्रीब्यूशन में अभी कुछ 7-8 साल ही हुए हैं, और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सेवा कर रहा हूँ। कोई भी कैसे भी प्रोड्यूसर आने दीजिए, उनकी फिल्में मैं रिलीज करता हूँ, और ये भी बताऊँ कि रिलीज के लिए थिएटर्स का रेंट नहीं लेता हूँ, उन्हीं बोल की वह ठीक है परसेंटेज पे दे देता हूँ। तो इसी वजह से आज मैं लाइन से लगी हुई हूँ मेरे पास। ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार है, और उन प्रोड्यूसरों का प्यार है जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे फिल्में देते हैं और मैं कर पाता हूँ। आज बहुत अच्छा लगा ये फिल्म देख के, और भी अच्छी मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोग भी सज्जन हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अनिल दा मेरे साथ आए हैं या मुझे आए हैं। अनिल दा मेरी कई फिल्मों में काम किया है, और बहुत फिल्म मैंने बनाई थी भयानक, उसमें मेन अनिल दा का था, तो बहुत सुपरहिट पिक्चर रही थी। इसके बाद तो अपने जन दुश्मन वगैरह में देखा हुआ अनिल दा को, तो मैं अनिल दा ही बोलता हूँ इनको, जब से एकदम यंग आए थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पुरानी बातें हैं लेकिन फिर भी वो याद तो आते हैं, याद हमेशा, इसीलिए मैं याद करता हूँ अनिल दा को। ठीक है, एक वर्ल्ड पे एक बात पे आते हैं, बस यही बहुत आशीर्वाद है आप सबका, और मैं आज आपका कीमती वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। फिल्म दिखा दी है मैंने, 1 तारीख को ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हो रही है, बॉम्बे, दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, ईस्ट पंजाब, बिहार, झारखंड, CPCIE और राजस्थान, ये सब सारे जगह में ये फिल्म रिलीज हो रही है। तो बस अपने जितने भी दोस्त हैं आए हैं आपके, उन्हें आप ये करके जरूर बता सकते हैं कि एक सस्पेंस मूवी आप जाकर देखिए, संदेह डाउट, बस यही कहना है। और पिक्चर जो बनाई है प्रदीप श्रीवास्तव जी से ये गुजारिश करूँगा कि ये तो सबसे कही ये हैं, बस ये जितना और अपने एरिया में जुटा सकते हैं पब्लिक को जुटाएं ताकि मेरा भी नाम हो और इनका भी नाम हो, बस यही कहते हैं। अब
और प्राइस तो बढ़ा देते हैं, बहुत सुंदर आ गया है, परफेक्ट आ गया, अगर आ गया कार्ड में, कार्ड में हो रहा है ये राजा भास्कर जी में कार्ड में तो आ गया है, कार्ड में तो आ गया, मोहन की मछली कल्याण जी आगे वाला बोल रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, कल्याण बड़ा है आएगा जी, आपका धन्यवाद, कीमती समय आपने दिया, लव यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, अब बस 5 मिनट में आप चले जाना, अभी आपको नाश्ता करना है, चाय पीनी है, अब आप जाएंगे वो मिस्टर जी को माइक देना, ए ब्लू शर्ट भाई मैं तो खड़ा ही हूं, मैं सुन ही रहा हूं, बोला वो हां मोहन जी, अरे मोहन जी ताली हो जाए, एक बार ताली हो जाए ताहिल कमाल खान के लिए, यहां से ताले बदल लो, क्या बताऊं मैं, ताहिल कमाल खान खुद एक बड़ा हीरो है, हीरो है भाई, ए हट जा साइड में, बैठ जाना भाई, तो मोहन को दे दूंगा मैं, होल्ड रखिए एक मिनट, फ्रेश फेस होती है ऑलवेज, ऑडियंस तो उसको एक्नॉलेज करती है, और जबकि स्टोरी जैसे बताया कि मिस्ट्री है तो आई थिंक वी शुड डू गुड एंड एवरीबॉडी हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, बहुत अच्छा काम किया, म्यूजिक इज वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छे लगे, एक दो गाने तो बहुत ही अच्छे हैं, और मैं यही कह सकता हूँ कि लाइट चली गई आपकी, सो यस आई शुड डू गुड, सबकी सिंसियरिटी दिखती है इसके अंदर, एंड जब मेरी पहली पिक्चर रिलीज हुई थी सब न्यू कमर्स थे उसमें, और उसके चलने के बाद ये जो छोटे छोटे नए नए प्रोड्यूसर, कोई 25-30 लोगों का मुहूर्त हुआ था आफ्टर द रिलीज ऑफ माय फिल्म, कि लोगों ने सोचा कि एक छोटी पिक्चर इतनी कमा सकती है तो व्हाई शुड वी गो फॉर ऑल बिग स्टार्स, और डेढ़ डेढ़ दो दो साल तक तो फिल्में कंप्लीट नहीं होती थी उस टाइम, सो इट्स अगेन वही मुझे फ्लैशबैक दिख रहा है कि सब नए लड़के हैं लड़कियां हैं, फिर चलेगी ये पिक्चर तो फिर और भी प्रोड्यूसर्स आएंगे, उनके अंदर हौसला होगा कि हमको न्यू कमर्स के साथ बनानी चाहिए पिक्चर, तो इसमें सबका घर चलता है, रोजी चलती है, जो पहले बहुत बहुत थी, हम लोग बहुत हैप्पी, और मैंने हमेशा कोशिश की है इस 50 साल में टू नॉट गो इन द बैनर, बैनर के साथ आपने काम किया, आपकी पिक्चर न्यू कमर की नहीं चली तो पंजाब में ट्रेन से आप वापस चले जाएंगे मैंने नहीं किया, आप कभी घर जाके देखिए 54 फिल्म गूगल के अंदर अनिल धवन हैज वर्क विद ऑल न्यू प्रोड्यूसर्स एंड हैज सर्वाइव 53 इयर्स, दिस इज फॉर ऑल न्यू कमर्स, आप समझ गए, वहां पे बहुत प्रॉब्लम है, वो स्टार बन जाएगी वो अलग चीज है, मगर आप शुरुआत तो यहाँ से करेंगे ना, और माई बाप सबको रोटी कौन देता है, ये नए प्रोड्यूसर जो है वही देते हैं, पैसा भी वही देते हैं, अगली कौन सी फिल्म में आपको देख पाएंगे सर हम, अभी मैं टेलीविजन कर रहा हूँ नेक्स्ट अबाउट 20 इयर्स से कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव डन लॉट ऑफ सिनेमा, इतने कैरेक्टर रोल्स किए हैं, और एक और फिल्म अभी शुरू लास्ट थी अंधाधुन, शायद आपने देखा होगा, उसमें मैंने काम किया, I am one of the few actors for the last 53 years I'm working. I'm not in the industry. I'm working. Because ek passion aa jata hai. Jo jaise shuru se chalta aa raha hai. And it's a very good place. And I wish all the new boys and girls ki aapke saath bahut achha hoga. Achche achche log aapke saath jude hue. Aur phir Mittal saab to hai. Aapko picture release karke denge. Jo sabse difficult kaam hai. Aap kya kehna chahenge? To फिल्म के लिए काफ़ी चैलेंजेस थे, हमारे पास नए फेस जरूर हैं लेकिन वो फेस मतलब जिनको बोलते हैं एक मंझे हुए कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं, फिल्म में भी हैं, अभी पवन विक्रम जी स्काई फोर्स में भी आने वाले हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग करते रहते हैं लेकिन एक लेवल का रोल नहीं मिल पाता, कोई बड़ी फिल्म में मौका नहीं दे सकता, तो हमने क्या किया एक टीम इम्पल्स खड़ी करी कि हमारे पास जो कलाकार हैं एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए,
एक्टर हमारे अच्छे होने चाहिए, गाने भी अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पूरा एक मैनेज करके एक टीम बनाई और टीम वर्क के साथ में ये फिल्म हमने रेडी की है। तो कोशिश करी है कि हमने इसमें कोई कमी ना दिखे, कोई कमी रह ना जाए, पूरा तन मन धन समझ लीजिए पूरी तरीके से डिवोट करके सभी एक्टर्स ने मेहनत किया है, प्रोडक्शन ने किया है, टेक्निकल्स ने किया है, पोस्ट प्रोडक्शन इसका मुंबई में हमने कराया है राजेश श्रीवास्तव जी से, तो काफ़ी दौड़ भाग भी रही है, अकेले हमने किया है, हमारी टीम ने किया है, कोई ऐसा बाहर से हमारे कुछ भी नहीं था कि गॉडफादर है कि हमको सपोर्ट मिल जाए या कोई चीज़, लेकिन हमने एक सिनेमा खड़ा किया और हमारी ये जिद थी कि इस सिनेमा को हम बनाएंगे और रिलीज़ करेंगे। उन्होंने बोला कि नए लड़के लड़कियों को पहले क्या होता था कि सिनेमा हॉल नहीं मिलते थे, आजकल प्लेटफॉर्म खुल चुका है, पहले सिनेमा के ऊपर रहते थे कि सिनेमा लेगा नहीं लेगा, लेकिन आजकल आपके टाइम की बात और आप कंपेयर करें क्या कहना चाहोगे, हर कोई टैलेंट अपना दिखा सकता है घर बैठे भी डिजिटल के माध्यम से, ओटीटी के माध्यम से, डिजिटल इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत सारे है, अगर ये छोटी फिल्में बनने लगेंगी एक दौर शुरू हो जाएगा, एक दो चल पड़ेंगी तो लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी में पैसा क्यों इन्वेस्ट करें और फिर एक एक दो दो साल तक उसके लिए वेट करें, ये तो महीने भर में शेड्यूल बनाया, एक महीने में पिक्चर कंप्लीट। आई डिड ऑल माय फिल्म्स लाइक दिस, 54 फिल्म्स आई यूज्ड टू डू, शूट करते थे अब 20 दिन आउटडोर गए, वापस आए 3-4 गाने की पिक्चर रेडी हो गई, यू नो, तो वो दौर शुरू हो जाएगा तो सबको काम मिलेगा और जितनी एम्प्लॉयमेंट छोटा प्रोड्यूसर दे सकते हो बड़े प्रोड्यूसर नहीं दे सकते, बिकॉज उनको मालूम है मेरा ये बजट है, मेरे पास इतना इतने में पिक्चर बनानी है, मेरे को कंप्लीट करनी है, नहीं तो ये टोटल लॉस है, तो पूरी मेहनत करेंगे सब मिलके करेंगे और एक्टर भी करेंगे, कॉपरेट करेंगे सब लोग के भैया पिक्चर कंप्लीट कर दें, तो ऐसा है। तो कहां प्लान है वो पैन इंडिया रिलीज करेंगे क्या? अभी तो हमारी 1 मार्च को ऑल इंडिया रिलीज, और कोशिश करेंगे कि हम साउथ अफ्रीका में भी इसका कोशिश करेंगे रिलीज हुआ, क्योंकि टीजर हमने प्ले किया था वहां पर और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। संदेह हीरो से जानना चाहेंगे, सेंटर में ही है सर आप, उसकी तरफ तवज्जो मत दीजिए, अच्छा काम करेंगे तो गुडविल बनेगी, गुडविल बनेगी तो आपका जो करियर है वो बहुत लंबा चलेगा, डोंट वरी, आपका करियर बहुत लंबा चलेगा। लुक एट अस, लुक एट मी, लुक एट अनिल जी, लुक एट राजू श्रेष्ठ, ये सारा काम करते वक्त जितने झगड़े लफड़े करने हैं कीजिए, लाइंस के ऊपर काम करना है कीजिए, अच्छी लाइन क्रिएट कीजिए, अच्छा सीन क्रिएट कीजिए, राइटर जो है वो एक अच्छा सीन देता है और उसके ऊपर आप रंग क्या भरते हो, वो सिर्फ स्केच देगा, रंग आपको भरने पड़ेंगे, यू सी। तो उस वक्त कलाकारों को अपना अपना ख्याल करना पड़ेगा, ये कलाकारों को भूलना नहीं चाहिए कि हर कलाकार अकेला है, हर कलाकार अकेला है। अभी मैं कल की परसों की बात बता रहा हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर, मुझे कोई किसी का अच्छा काम लगता है तो मैं उसको एक कॉल करता हूँ और कॉल एक मैसेज देता हूँ कि भाई साहब अगर आपको एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट लेना है मुझसे आपकी परफॉर्मेंस के लिए तो आप मुझको कॉल कीजिए। ये जो परसों का कॉल किया था वो श्री अमिताभ बच्चन जी को मैसेज किया था। अब सुन लीजिए आज के कलाकार, सुन लीजिए कि मेरी उनसे, वेरी गुड सर, एक्सेलेंट, वेरी गुड, मार्वेलस, या कंटिन्यू सर, चलिए कंटिन्यू सर, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनिएगा सर, बोलिए। वो क्या है कि बच्चन जी को एक मैसेज किया, मैंने कहा मैं माजरत चाहूँ से मैं देखने से महरूम रहा, उसका नाम था बदला, ये कुछ अरसा पहले आई थी, उसमें आपने इतनी मेहनत की है, इतना एफर्ट डाला है उसमें कि योर परफॉर्मेंस हैज बिकम एफर्टलेस, एंड सेकंड लाइन वाज कि सर इतना अच्छा काम और उसका सिनेरियो जो आपने पकड़ा है इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट, आप यकीन मानिए एक 20 मिनट में उनका एक मैसेज आ गया, अनेक धन्यवाद,
फूल भेजे, हाथ जोड़े, ये करके इतना अच्छा एक एक्टर, ए वन एक्टर टू अनदर एक्टर, हुज माई सीनियर, हुज माई, हुज ए सुपर लेजेंड। क्योंकि आज की तारीख में अब दिलीप साहब के बाद में अगर हम किसी को ऐसे देखते हैं, उचक के देखते हैं, तो वो अमिताभ बच्चन जी, करेक्ट है। तो ये बात जो है ये इस जनरेशन के लिए है कि आपको एक पगले दीवाने बावले प्रोड्यूसर ने एक प्रोजेक्ट खड़ा किया है, कलाकारों को लिया है, नए कलाकारों को लिया है। अब कलाकारों के हिस्से में ये आया है कि उस वक्त आप कहीं किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कितने लेवल तक करते हैं, आप अपने सीन को समझते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा काम करेंगे तो आपकी गुडविल बनेगी, गुडविल बनेगी तो आपका करियर लंबा चलेगा। यू नो, मैंने तो दो तरह की जिंदगी जी है, एक सिंगर की एज एन एक्टर ऑल्सो, कोई पौने 200 फिल्में की हैं, और जो गाने गाए हैं वो 333 गाने गाए हैं फिल्मों में, हीरो से मार खाने का है और हीरो के लिए गाना गाने का है। ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया था और हमने खूब इसके ऊपर काम किया, खूब किया, बड़ा मजा आता था। वो क्रिएशन करके ऐसा लगता है जैसे कि एक आप एक क्रिएटिव बच्चा पैदा कर रहे हैं। और इसमें बावरे हैं सब लोग, ये बावरी बैठी है। एक परिवार में पत्नी लिख रही है फिल्म को, प्रदीप जी उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, अयाज अजीव कमर जो भी उन्होंने काम किया है वो इसकी डायरेक्शन कर रहे हैं। देखिए एवरीबॉडी इस 40 अंडर 40 है, और उसके अलावा अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ही इज अ वेटरन, हम इनको बहुत साल से जानते हैं, इन्होंने ट्रस्ट कमाया है, अगर कुछ कमाया तो इन्होंने ट्रस्ट कमाया है। और हीरो है, पता नहीं आज उदास क्यों बैठे हुए, मुझे समझ नहीं आया, अभी तक मैंने एक मुस्कुराहट नहीं इनके चेहरे पे देखी, शायद वो ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। सब अच्छा होगा, क्या बात, सब अच्छा होगा, आपने अच्छा काम किया है, पीपल विल लव इट, एंड आप देखिएगा, चलते चलिए, कभी भी डिसहार्टनमेंट नहीं होगा। फिल्म इंडस्ट्री का ये है कि और जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ मत बैठिएगा, उनके साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन मत कीजिएगा, समझ जाइए यहाँ नेगेटिविटी है, आगे चलिए, आगे बहुत खूबसूरत लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। अब खुश हुए, पिछले मैं पौने घंटे से इसी का चेहरा देख रहा हूँ, ये इसलिए आपसे पूछा हमने भी, इनके पापा ने भी इनको इंट्रोड्यूस किया है, उस वक्त भी ऐसी सोच रहा था कि क्या बोलूं मैं, पर मुझे बड़ी खुशी है कि सर आए और सर ने मुझे मोटिवेट किया और सबके सामने बताया कि मेहनत करते रहो और गुडविल बना के रखो और पॉजिटिविटी रखो और बुरे लोगों से दूर रहो। बस अब मैं बिल्कुल दूर रहूँगा बुरे लोगों से और अच्छे लोगों के पास जाऊँगा जिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके पास आऊँगा, मैंने BMM किया है। कौन ये? हाँ, ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये हर वक्त जल्दी में रहते हैं, आज इनको पकड़ के बिठा लिया है कमाल ने। मैंने भी BMM किया है और उसके बाद मास्टर्स भी किया है, मैं भी आपके साथ बैठता एक टाइम पे, बट भगवान ने चाहा तो आज यहाँ बैठा हूँ मैं आपके सामने। थैंक यू सो मच, मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ। गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस ऑल अस, और हमारी पिक्चर को भी बहुत प्रेज करें और प्लीज देखना चाहिए एक तारीख को। क्या उम्मीदें इस फिल्म से? इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है, जैसे कि आपने भी ट्रेलर देखा और सॉन्ग देखा उसमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है मुझे पता, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बाकी मैम ने स्टोरी बहुत अच्छी लिखी है उसकी और उस पर हमने बहुत अच्छा एक्ट करा है और सर ने हमें बहुत ऐसे दोस्त की तरह हमने इसको कराया, इसमें काम जो किया ना ऐसे दोस्त किया हमने, ऐसे डायरेक्टर और वो एक्टर वाला इसमें वो नहीं था कॉम्बो, हम दोस्तों की तरह करा, तो बहुत अच्छे से हुआ है। बाकी आप ही बता सकते हैं। मैम एक लाइन में स्टोरी क्या है? एक मिनट, इनकी टी शर्ट का जिक्र करना चाहिए जो इन्होंने पहनी, इनका भी नंबर आएगा सर, एक मिनट। नहीं सर, इनकी टी शर्ट के ऊपर लिखा था जो सब कुछ तेरा है वो मेरा है। अगर ये सोचे कि हमने टी शर्ट को नहीं देखा है, टी शर्ट बहुत अच्छी। एक लाइन में स्टोरी क्या है? It is a murder mystery. अब अगर मैं पूरा खुलासा कर दूंगी तो फिर इतना ही बोलूंगी कि सभी लोग फिल्म देख करके बताएं कि फिल्म कैसी थी। सर आपसे जानना चाहिए क्या रोल है, मैं नहीं बताइए अपना। मतलब मेरे से एक भी केस सॉल्व नहीं होने का, फिर बाद में मेरे सीनियर आते हैं केस को सॉल्व करते हैं। बस ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा अपना, हमारे डायरेक्टर रायाज भाई ने
बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मतलब तो ऐसा लगा नहीं कि मैं डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे लगा मैं घर में काम कर रहा हूँ अपने घर में और अच्छे से काम कर रहा हूँ, और बहुत मजा आया, टीम बहुत अच्छे थे, हमारे हीरो भी बहुत हम लोगों ने बहुत मस्ती करा थी। थैंक यू जानना चाहेंगे सर जी और कैमरा ऑन। ये अभी मग जो हमारी फिल्म है वो मग उधर भी बैठा दीजिए सर, खाली लग रही है, एक किसी को बैठा दो ना, देखिए उधर देखिए सर, कब देते हुए हाथ लगा दिए, बस बहुत हो गया, थैंक यू, हाथ लगाइए वहाँ से, बहुत बढ़िया, अयाज जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी तपस्या आपने एक लाइन में स्टोरी क्या है सर, इसकी कैसे इस पे जैन में स्टोरी पे काम किया जाए? पहले सर का जवाब दे देता हूँ। देखिए मेहनत तो ऐसी थी कि मैं कहीं मैच खेल रहा था तो अचानक मुझ पर बॉल आती है, मैं इसको डायरेक्शन आपको डायरेक्शन करूँगा, तो कभी बचपन में सपने देखते थे कि अवार्ड मिले, कभी स्टेज पे जाए, कहीं जाए, तो एक वो बहुत लंबा सफ़र है, आया तो भैया ने कॉल दिया कि दिल्ली से आपको लखनऊ आना है और 6 घंटे इतने आप स्टोरी रीड करें, तो आपकी बात पर मैं 6 घंटे पर जब आया स्टोरी रीड की और करने के बाद लोकेशन वहाँ पे देखी, पूरा काम किया 2 दिन के अंदर अंदर, और तीसरे दिन से हमने इसका शेड्यूल लगाना शुरू किया और मात्र 17 से 21 दिन में हमने इसको कम्प्लीट कर दिया, और रात को मैं 2 बजे तक काम करता था, सुबह 5 बजे उठ के सब आर्टिस्टों को उठाता था, भाई उठ जाओ मॉर्निंग है, मैं भी एक्सरसाइज करता था, वो भी एक्सरसाइज करते थे, फिर हम काम अपना शुरू करते थे, और इसकी स्टोरी सर आपका जवाब देते थे। देखिए एक स्टोरी जो है ना बहुत खूबसूरत तरीके से एक एक मोती से खिल रही है, आजकल ऐसी स्टोरी को हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, नए फेसेस की ज़रूरत है, नए डायरेक्टर की ज़रूरत है, नए प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है, कि मैं भी काफ़ी फिल्में देखता हूँ, हॉलीवुड भी देखता हूँ, बॉलीवुड भी देखता हूँ, हमारी जो स्टोरी है ना एक यूथ के लिए एक मैसेज है कि आजकल के जो बच्चे हैं भटक जाते हैं, कुछ गलत करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, उनके लिए सब मैसेज है कि एक दूसरे का आप ना करके एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि उसने ठीक नहीं किया, इसने ये नहीं किया, यही इसी के अंतर्गत हमारी स्टोरी घूमती है, और सबसे ज़्यादा जो है और इसका जो टाइटल है वो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि वो संदेह है, तो सभी पे इस पे सब। सर आपका क्या रोल है इसमें शब्दों में? जी बिल्कुल, मेरा रोल इसमें चौकीदार का है, जो एक अलग ही सस्पेंस है, एक लाइन जरूर बोलना चाहूँगा इस फिल्म की, स्पेशल लाइन है, जो तेरा था अब वो मेरा होगा, मतलब इस टाइप का कॉस्ट्यूम भी पहना था आपने देखा होगा, तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस कैरेक्टर करने में, और एकदम डिफरेंट, तभी तो संदेह है कि मर्डर किसने किया है, तो मर्डर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस फिल्म में, और सबसे ज़्यादा कुछ तो बता नहीं पाएंगे, फिल्म आप जरूर देखें, 1 मार्च को हो रही है ऑल इंडिया सिनेमा हॉल पर, तो आप सब जरूर देखें। सर आखिरी सवाल, कितना कमर्शियल है मूवी बिजनेस के एंगल से देखे तो? ये तो डिपेंड करेगा, कोशिश करिए, हमने बना के सिनेमा थोड़ा कर दिया, अब आगे जो भी उसका रिस्पॉन्स, हमने कोशिश करी कि पूरा कमर्शियल सिनेमा देने का। थैंक यू सर, आइए देखते हैं क्या शुभकामनाएं होगी इनके लिए, चूंकि इन्होंने अपना पैसा डाला है। सबसे पहले मीडिया को मेरा नमस्कार, अरुण महादेव। देखिए मैं पहली बोला, जो पहला माई बाप होता है डिस्ट्रीब्यूटर, सेकंड होता है प्रोड्यूसर, थर्ड होता है अपना डायरेक्टर। दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना। हिंदुस्तान के हर राज्यों में मेरे मेम्बर हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री दुबई हो, कहीं भी हो, मेरा मेम्बर है। आप मुझे बताएंगे सर कल्याण जी, यहाँ यहाँ हमारी फिल्म लगे, तो मेरा जो भी मेंबर है उनको बोलेंगे
मेरा बड़ा भाई का फिल्म आ रहा है 1 मार्च को, प्लीज आप लोग देखने जाइए। मैं 24 अवार्ड शो करता हूँ साल में, लोग मुझे शो का किंग मेकर बोलते हैं। मैं एक साल में 24 अवार्ड शो करता हूँ, आप सबको पता है, मुंबई, दुबई, दिल्ली। तो मेरा 15 मार्च को जो मेरा अवार्ड शो है द इन्फ्लुएंसर OTT एंड यूट्यूबर, तो 15 मार्च को मैं इतना वादा करता हूँ आपसे, फिल्म रिलीज होगा 1 मार्च को। मैं स्टैंडी लगाने का मैं पैसा लेता हूँ, क्योंकि 20 लाख का शो होता है तो मैं फ्री में नहीं लगाता हूँ। लेकिन मैं आज नया कलाकार काम किया है, मैं भी जब नया था तो मुझे बहुत लोग ने धक्का मारा, सबको पता, पूरी मीडिया को पता है मेरे बारे में, मेरी जर्नी के बारे में सबको पता है, वो तो सबको गूगल पर है, सब सब है। लेकिन मैं आज नया कलाकार को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, जो मैं 50 से 1 लाख रुपये लेता हूँ एक स्टैंडी लगाने का, तो सबको पता है मीडिया को, आज मैं फ्री में लगा रहा हूँ मेरे शो में। 15 मार्च को मेरे शो में एक स्टैंडी वहाँ लगेगा, जहाँ पर इन्फ्लुएंसर अवार्ड है। मैं जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब, मतलब इंस्टाग्राम के, चाहे 3 मिलियन हो, 4 मिलियन हो, 20 मिलियन हो, सब मेरे पास आते हैं अवार्ड लेने के लिए। तो उस दिन काफ़ी सारे टीवी के सब स्टार हैं, तो उस दिन आपका निमंत्रण है सर, आपका स्टैंडी और आप और आपके कलाकार अगर आना चाहते हैं मेरे अवार्ड शो में, क्योंकि वहाँ पर सब टीवी स्टार रहते हैं और सबको पता है मेरे शो में 40-50 स्टार रहते ही, तो आप लोग आइए, आप सभी को मेरा निमंत्रण है। क्योंकि कलाकार नया हो जुना हो, कलाकार अगर आगे बढ़ते हैं तो इंडस्ट्री आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर का अगर पैसा अगर उसको मिल जाता है तो एक नया तरीके से और एक फिल्म वो शुरू करता है, तो हमें सपोर्ट करना है। एक प्रोड्यूसर को, कलाकार को हमें सपोर्ट करना है, और सपोर्ट करने से महादेव आपको और देगा, आपसे छीनेगा नहीं, तो महादेव आपको देगा। तो महादेव यही बोलता है सपोर्ट करो। और ये मेरा भाई है ताहिल कमाल खान, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कमाल भाई बहुत बढ़िया, आपने बिना स्क्रिप्ट के संचालन किया, बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं संधे की पूरी टीम को, प्रदीप श्रीवास्तव जी को और श्वेता श्रीवास्तव जी को, उनके पापा श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव जी को, और फिल्म के सभी एक्टर डायरेक्टर अयाज खान जी, पवन जी, पुलकित जी, रिया जी, सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनके अग्रिम जीवन के लिए, कि वो खूब मेहनत करें और खूब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नाम कमाएं, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें। यही मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को, संधे की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। 1 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, आप सब देखने का। जी ये तो इनके लिए हो गया, आपके निजी जीवन में क्या कुछ चल रहा है, आपका प्रोजेक्ट क्या है? मेरे निजी जीवन में 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अल्लाह ने चाहा तो सबका अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, उसका इंशाल्लाह बहुत जल्दी बताएंगे। एक और एक बात है, हमारी होर्डिंग के बादशाह यहाँ पर बैठे है, मतलब एक तो ब्राइड है, दूसरा नवी मुंबई, वाशी, खारघर, पनवेल, उन सब जगह जो होर्डिंग लगते हैं बड़े बड़े, हमारे महेश भाई बैठे हैं। अगर फिल्म का अगर होर्डिंग लगाना हो तो यहाँ पर महेश भाई है, होर्डिंग लगाएंगे। एंड थैंक यू सो मच ऑल मीडिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा फिल्म देख रहे हैं, आपने कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में मैंने एक विक्रांत का कैरेक्टर किया है जो कि नेगेटिव है, लेकिन हर इंसान में एक बहुत अच्छी खूबी होती है, तो वो खूबी जानने के लिए आप सबको फिल्म देखनी पड़ेगी। और यही है कि आप सब विश करें कि अच्छा सिनेमा है, आप सब परिवार के साथ देखने जाएं। बाकी बहुत मज़ा आया फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में, नई नई चीज़ें हुई, नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला, और प्रोड्यूसर के खर्चे पे फ्री में घूमने का मौका मिला। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब मेरे भाइयों का।